फाइलिंग 31 जुलाई 2018 था, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दिया है। ये जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट की मैं बात कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए है। तो एक बार फिर से, असेसमेंट ईयर 2018-19 की रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जिनका भी 31 जुलाई 2018 था, वो बढ़कर 31 अगस्त 2018 हो गया है। यहां पर एक छोटा सा ट्रिकी वर्ड यूज किया है गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में कि ये रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट बढ़ा है वो स्पेसिफाइड लोगों के लिए बढ़ा है, स्पेसिफाइड पर्सन लोगों के लिए बढ़ा है। ये स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, कि रिटर्न फाइल सही जाना चाहिए ये एसएससी की जिम्मेदारी है। सही तरीके से उसको कंपाइल करके भरना चाहिए ये एसएससी, अगर वो खुद भरता है तो उसकी, या फिर अगर उनके कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो बहुत अच्छे से उसको सही तरीके से टैक्स पेमेंट और सारे कंप्लायंस करें। अगर पहली बार नियम में कुछ परिवर्तन है, जो कि ये पहली बार है जिसमें लेट फीस एप्लीकेबल गवर्नमेंट कर रही थी, परंतु लोगों को इतना अभ्यास नहीं है कि वो लेट फीस को दे पाए। 1,000 रुपए जो सबसे न्यूनतम लेट फीस है, वो भी बहुत ज्यादा होता है कुछ लोगों के लिए, जो 500 रुपए का रिटर्न फाइलिंग फीस भी ठीक से नहीं दे पाते, वो 1,000 रुपए का लेट फीस कहां से देंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत अपने काम काज में लोग आगे पीछे हो जाते हैं, कई बार नहीं भर पाते हैं, भरना चाहते हैं, अवेयरनेस नहीं होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि डेट आगे बढ़ा दी, ताकि लोगों में अब अवेयरनेस आ जाए कि जल्दी भरवा लिया जाए। हो सकता है अगले साल डेट ना बढ़े, परंतु ये 1 महीना तो आपको मिल ही चुका है। तो इस 1 महीने के अंतर्गत जिनका जिनका भी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 31 जुलाई होने के कारण वो घबरा रहे थे, या लेट फीस समय पर दे पाएंगे कि नहीं ये उनको श्योर नहीं था, तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोविजन निकाला है। आप बिल्कुल इस प्रोविजन का लाभ उठाइए। और दूसरी चीज, वो जो स्पेसिफाइड पर्सन की बात हमने कही, वो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब वो सारे लोग जिनका ड्यू डेट 31 जुलाई था, उसी को 31 अगस्त किया गया है। तो वो सारे लोग कौन है जिनका ड्यू डेट 31 जुलाई था? सेक्शन 234F के अनुसार 31 जुलाई को जो ड्यू डेट था, वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए था जिनका टैक्स ऑडिट नहीं था, तो उन सारे लोगों के लिए ये ड्यू डेट अप्लीकेबल था। तो इस ड्यू डेट को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिए गए। दोस्तों, आप बिल्कुल समय पर रिटर्न भरिए, बहुत अच्छे से रिटर्न भरिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। आगे भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारा मिशन है आपको सही जानकारी समय पर देना। बहुत